अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, हाउ आर यू? लेट्स कम टू द स्टडीज. ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 68. स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी वर रीडिंग मुस्लिम रूल इन साउथ एशिया, जनूबी एशिया में मुसलमानों की हुकूमत. एंड वी हैव रेड महमूद ऑफ गजना इन द प्रीवियस लेसन. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत. सल्तनत दिल्ली के की डिटेल हम पढ़ेंगे. ये जो साउथ एशियन रीजन में एक मेन जो है बहुत बड़ी रियासत थी, मुगलिया दौर से पहले जो यहाँ पर हुकूमत करते थे. दिल्ली पर मुसलमानों की ही हुकूमत थी, लेकिन मुख्तलिफ खानदान थे जिन्होंने हुकूमत की. तो इसकी डिटेल अब हम पढ़ेंगे. इन 1193 शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, whose family was ruling Afghanistan after throwing out the Ghaznavids, defeated the local rulers of South Asia. 1193 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने, जिसका खानदान अफगानिस्तान पर हुकूमत कर रहा था, कैसे कर रहा था? थ्रोइंग आउट द Ghaznavids, Ghaznavids को निकालने के बाद. जैसे कि अभी हमने ऊपर प्रीवियस लेसन में पढ़ा था महमूद ऑफ गजना, गजनवीद, महमूद गजनवी, आपने नाम सुना होगा. ये अफगानिस्तान के इलाके गजना से, क्योंकि उनका ताल्लुक था, इसी से रिलेटेड उनका नाम गजनवी है, महमूद गजनवी. और उनकी हुकूमत खत्म करने के बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की हुकूमत थी, बादशाहत थी अफगानिस्तान में. और इन्हीं के जो रूलर थे, उन्होंने साउथ एशियन रीजन में जो ये इलाका था इंडिया का, और यहाँ पर जो दिल्ली है, वहां के जो रूलर थे उसको शिकस्त दी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के रूलर्स ने, सिपाहियों ने. और ये हुकूमत कर रहे थे अफगानिस्तान में. जब महमूद गजनवी का दौर, गजनवी खानदान का दौर खत्म हो गया, तो फिर वहां पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फैमिली जो है वो हुकूमत कर रही थी. हिज फ्रीड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके आजाद करदा गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैप्चर दिल्ली, दिल्ली पर कब्जा कर लिया. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ द गंगाज प्लेन. ये दिल्ली कौन सा है? ये दरियाए गंगा की जो मैदान थे, जहां पर एक माशरा वजूद में आया था, तहजीब थी, लोग आबाद थे. यहाँ का एक बहुत मशहूर शहर था दिल्ली, और यहाँ पर जो है कब्जा किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने. और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के आजाद करदा गुलाम थे, उनके वजीर थे, कमांडर थे. एंड बिकेम इट्स फर्स्ट मुस्लिम रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी इन 1206. और यही कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिन्होंने यहाँ कब्जा किया. और जब गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की वफात हो गई, तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये यहाँ के बादशाह बन गए 1206 में. तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत जो मुसलमानों के हाथ में आई, और यहाँ पर इनकी हुकूमत बनी 1206 में. अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मुख्तलिफ जो है खानदान के लोगों ने हुकूमत की दिल्ली पर, उसके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी सी डिटेल जो है वो मिलेगी. नेक्स्ट पेज पर देखते हैं. सबसे पहले 1206 में जब ये दिल्ली सल्तनत कायम हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो वहां के बादशाह बन गए. तो पहली जो रियासत थी, सल्तनत थी, उसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है. स्लेव गुलाम को कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी, गुलामाना रियासत जो थी. ये रियासत गुलाम क्यों कहलाई गई, इसकी वजह भी हम पढ़ के देख लेंगे. द फर्स्ट डायनेस्टी और फैमिली ऑफ किंग्स, जो पहली रियासत कायम हुई, सल्तनत थी जिस खानदान की, वो स्लेव डायनेस्टी कहलाई. हु एस्टेब्लिश्ड मुस्लिम रूलर ओवर दिल्ली इन 1206 एडी इंक्लूडेड कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश, जिसे ऑल्सो कॉल्ड अल्तमश, अल्तमश भी कहा जाता है, लेकिन बेसिकली वो अल्तमश है, सुल्तान रजिया, रजिया सुल्ताना, आपने नाम शायद सुना हो कभी हिस्ट्री में, नसीरुद्दीन महमूद एंड बलबन. ये अफराद थे जो इस रियासत में, जो स्लेव डायनेस्टी कहलाई, जब फर्स्ट टाइम 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब्जा किया और यहां हुकूमत की, तो इस डायनेस्टी को, इस रियासत सल्तनत को स्लेव डायनेस्टी कहा गया. और इसमें शामिल थे ये तमाम अफराद जो मैंने अभी पढ़े, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश, सुल्तान रजिया, नसीरुद्दीन महमूद एंड बलबन. दीज किंग्स आर नोन एज द स्लेव डायनेस्टी बिकॉज थ्री ऑफ देम, ऐबक,
अल्तुतमिश एंड बलबन वर फ्रीड स्लेव्स। ये जो रियासत थी, सल्तनत थी, इसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। उसकी वजह यह थी कि इनमें से जो तीन बादशाह गुजरे हैं, तीन कौन से, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों फ्रीड स्लेव थे, इनको आजाद किए गए गुलाम थे, यानी किसी वक्त ये लोग गुलाम थे, स्लेव्स थे, फिर इनके जो ओनर थे, जो बादशाह थे, उन्होंने इन्हें आजाद कर दिया था और फिर ये फौजी कमांडर बने और फिर इन्होंने बाद में ये रियासत संभाली और स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन ये यहाँ के बादशाह भी रह चुके हैं। देवर ऑल तुर्क्स, ये सारे तीनों जो थे ये सब तुर्क थे। एंड टर्किश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट ड्यूरिंग देयर रेन्स, और जब इनका दौरे हुकूमत था, बादशाह थी, तो तुर्की जबान जो थी, टर्किश लैंग्वेज थी, वो यहाँ की जो है अदालती ऐवान की जबान बन गई थी। सम ऑफ देम वर ग्रेट कॉन्करर्स एंड एक्सपेंडेड देयर किंगडम, और इनमें से अक्सर जो है वो बहुत अजीम जंगजू थे, जबरदस्त फाते रहे हैं, जंगजू रहे हैं, और इन्होंने अपनी रियासत में, अपनी सल्तनत में बहुत ज्यादा इजाफा किया, बहुत से इलाके फतह किए और अपनी सल्तनत को बढ़ाया। सेकेंड जो थी वो खलजी, खलजी डायनेस्टी कहलाती है, खलजी खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग थे जिन्होंने हुकूमत की दिल्ली पे। इनमें थे जलालुद्दीन एंड अलाउद्दीन वर टू इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द खलजी डायनेस्टी। और भी इनके अलावा हुक्मरान थे, लेकिन ज्यादातर जो फेमस हैं, बहुत मशहूर हैं, वो जलालुद्दीन और अलाउद्दीन हैं जो खलजी खानदान से ताल्लुक रखते थे। अलाउद्दीन खलजी वॉज इलिटरेट एंड असेंडेड द थ्रोन बाय असैसिनेटिंग जलालुद्दीन हिज लविंग अंकल, बट टर्नड आउट टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया। अलाउद्दीन खलजी जो थे वो अनपढ़ इंसान थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तालीम नहीं हासिल की थी, और इन्होंने तख्त हासिल किया था किस तरह, अपने ही अंकल जलालुद्दीन को कत्ल करने के बाद इन्होंने ये तख्त हासिल किया, बादशाह बने और फिर यहाँ के जो अजीम बादशाह के तौर पर सामने आए इंडिया के, यानी ये जो दिल्ली है, भारत का इलाका है, इस इलाके के एक बेहतरीन बादशाह के तौर पर सामने आए। हिज एम्पायर इंक्लूडेड मोस्ट पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, एंड ही वॉज अ स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। इनकी जो सल्तनत थी, रियासत थी, उसमें मौजूदा दौर में जो इस वक्त आज के दौर में इंडिया का इलाका है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, यानी ये जो सब कॉन्टिनेंट था, पाकिस्तान बांग्लादेश आजाद नहीं हुए थे तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही इलाका था, सब कॉन्टिनेंट उसे कहते हैं, और ये सारा इलाका वो था जो अलाउद्दीन के जेरे हुक्मरानी था, यानी अलाउद्दीन इस इलाके पे हुकूमत कर रहे थे। और ही वॉज अ स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, और बहुत ही सख्त किस्म के मुंतजिम थे, इंतजाम चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर थे ये। इनका भी दौरे हुकूमत बहुत जबरदस्त रहा है, लेकिन यहाँ आपको बस थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो दिल्ली सल्तनत के हवाले से दी गई है। आज हम इन्हीं दो डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, रिमेनिंग जो है हम इंशाल्लाह अगले लेसन में करेंगे। इन्हीं को आप पढ़ें और इंशाल्लाह आपको जो है क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपको करवाया जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।